हेलो बच्चों, जोहार। हम सुनील सरदार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एग्ज़ाम रेडी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट को देखेंगे। देखिए, परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1793। इस सेटलमेंट के अनुसार जो ताल्लुकदार थे या फिर जो राजाज थे उनको क्या रिकॉग्नाइज किया गया था, दे वे रिकॉग्नाइज एज जमींदार्स। उसके बाद इस सेटलमेंट को आखिर परमानेंट सेटलमेंट किस लिए कहते हैं? देखिए, इस सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अमाउंट ब्रिटिशर्स को पे किया जाएगा बाय जमींदार्स वो क्या था, फिक्स था। उसीलिए हम लोग इस सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या किए थे, रेवेन्यू को फिक्स रखे थे। उन्होंने रेवेन्यू को फिक्स क्यों रखा था, वो सोच रहे थे कि जो जमींदार्स होंगे अगर उनको प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट को क्या करेंगे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फॉर कल्टीवेशन। तो आप समझ गए होंगे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था। अब हम लोग परमानेंट सेटलमेंट का प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम्स क्या था, जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा हाई फिक्स किया गया था। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो जमींदार थे वो पे नहीं कर पा रहे थे रेवेन्यू को, उसे ले क्या किया गया, उनका जो जमींदारी राइट्स था उसको ऑक्शन कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इस सेटलमेंट को क्यों इंट्रोड्यूस किए थे, वो सोच रहे थे कि अगर हम लोग रेवेन्यू को फिक्स रखेंगे तो जमींदार जो होंगे वो क्या करेंगे, इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड करेंगे और एग्रीकल्चर का इम्प्रूवमेंट करेंगे। लेकिन जो जमींदार थे वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इन एग्रीकल्चर, जिसके कारण हम लोग क्या देख रहे हैं, देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। उसके बाद जब अर्ली 19th सेंचुरी में जब प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने लगता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ब्रिटिशर्स को फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जो रेवेन्यू था उसको फिक्स रखा था, जिसके कारण हम लोग क्या देखते हैं, पीजेंट्स के लिए, जमींदार्स के लिए फ़ायदेमंद था लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए अब ये फ़ायदेमंद नहीं रहा। उसके बाद और एक क्या क्या प्रॉब्लम है सेटलमेंट का, हमने देखा कि जमींदार्स को एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था टू द ब्रिटिशर्स, लेकिन पीजेंट्स के लिए कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया था। तो जमींदार्स जो थे उनको क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके ताकि उनको ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव इस सेटलमेंट का पड़ा किस पे, पीजेंट्स पे पड़ा। तो आप समझ गए होंगे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ द सेटलमेंट को देखा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।